देख सकते हैं इस मंदिर की स्थापना 1724 ईस्वी में ये मंदिर बना था। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं दोस्तों मैरवा में और आज हम दिखाने वाले हैं दोस्तों मैरवा धाम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, मैरवा का ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग हैं सिवान और मैरवा वाले रोड पर और देख सकते हैं दोस्तों सामने है मंदिर, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर, चलते हैं दर्शन कराते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जैसा कि हम सुने हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्तों। तो अंकल जी, ये शिव जी का मंदिर है? ब्रह्मा जी का? ब्रह्मा जी का, अच्छा अच्छा, ब्रह्मा स्थान है। सावन में मेला भी लगता है क्या यहाँ पे? सावन में मेला हर महीना में लगता है। अच्छा, हर महीना में लगता है? नहीं, जैसे शिवरात्रि में मेला लगता है क्या? हर महीने में मेला लगता है। अच्छा अच्छा, हर महीने में मेला लगता है, देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये रहा मेन रोड सिवान वाला। दोस्तों हम लोग एंट्री कर रहे हैं और भाई काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं यहाँ देखो कि शादी विवाह भी होता है। और इधर देख सकते हैं, इधर बाइक वाइक लगा है, इधर देख सकते हैं आप लोग, इधर प्रसाद की दुकानें भी हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा मंदिर के आसपास का सीन। चलिए चलते हैं अंदर, आपको सीन दिखाते हैं। यहाँ पे माला वाला मिल रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पोखरा है और इस पोखरे से ही प्रसिद्ध है मैरवा। दोस्तों मैरवा धाम में मंदिर के बगल में एक, ठीक मंदिर के बगल में एक पोखरा है, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भव्य पोखरा है, नहीं बड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये रहा पूरा सीन तालाब का। और दोस्तों अपने आप में बहुत ही सुंदर दृश्य है, और दोस्तों देख सकते हैं आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह है सीढ़ी, तो देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं तालाब के पास। और दोस्तों यहाँ तालाब का दृश्य देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अभी साफ सफाई नहीं है तो थोड़ा गंदगी दिखाई दे रहा है। और दोस्तों हवा काफ़ी तेज़ चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक थे, एक भैया थे, बता रहे थे कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, तो मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने को आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। तो देख सकते हैं, मोटे मोटे दीवार और एक खिड़की देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा पूरा सीन जैसा कि हमने दिखाया ही है। तो चलिए चलते हैं और आपको मंदिर दर्शन कराते हैं, चलिए चलते हैं। हमारे साथ में एक भैया, कैसे हैं? ठीक हैं, अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं। पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, हाँ पहली बार आए। अच्छा अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे है खिलौना की दुकान और मंदिर पे है। यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूँ कि ये 500 साल पुराना मंदिर है, जैसा कि अभी एक बाबा जी थे बता रहे थे। तो देख सकते हैं दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। और इधर के साइड में देख सकते हैं आप लोग, प्रसाद की दुकानें भी हैं। अरे भाई, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर के समीप। देख सकते हैं इस मंदिर की स्थापना 1724 ईस्वी में ये मंदिर बना था, इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दोस्तों अभी हम लोग जूता निकाल रहे हैं, सामने है यज्ञशाला, आइए आपको दिखाते यज्ञशाला। तो ये रहा मेन गेट। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, दर्शन करते हैं। दोस्तों देख, अरे हैं यहाँ के बाबा जी, अपने आप में देख सकते हैं। देख सकते हैं ये रहा मंदिर का सीन। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी मंदिर स्थित है और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो फाइनली दर्शन कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं दोस्तों मंदिर के आसपास का सीन। बाबा जी ये मंदिर कितना साल पुराना मंदिर है? ये यही मंदिर 416 बरस। चार कितना साल पुराना मंदिर है ये? 416 अच्छा अच्छा साल है। अच्छा अच्छा ठीक है ना। यानी चार पुष्त बीत चुका है बाबा का, 16वां चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। दोस्तों यहाँ पे मेला कब कब लगता है बाबा जी? पूर्णिमा को, चैत कुवार को जी, नवरात्र में। सुनने में आता है कि अंग्रेजों के जमाने का ये मंदिर है। हाँ अंग्रेजी जमाना है जी। ठीक दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा मंदिर के आसपास का सीन। तो दोस्तों यहाँ शादी विवाह भी होता है, देख सकते हैं देखावे के लिए भी लोग आते हैं। और ये रहा पूरा मंदिर का सीन। तो दोस्तों ये था मैरवा धाम मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। आपको कैसा लगा सर? आप बहुत अच्छा लगा और आपके साथ आने पर और अच्छा लगता है जी। हम तो नए चीज़ आपको दिखाते रहते हैं हमारे दर्शकों। नहीं तो बहुत अच्छी बात, मैं आपकी हर वीडियो देखता रहता हूँ जी। और दोस्तों यहाँ पर ये बाबा का मंदिर है, बहुत संत प्रिय जगह है जी। यहाँ मैरवा में आएँ तो ज़रूर यहाँ पर दर्शन करें जी, जी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों जाते जाते भैया का चैनल है डीके ब्लॉग जी, इनको भी सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, धन्यवाद, नमस्ते।